हे गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक अ न्यू गेम प्ले वीडियो। गाइस, आज हम अगेन खेलने जा रहे हैं ग्रीन घर। तो लास्ट टाइम वाले वीडियो में आपको याद होगा, हम लोग इस कैंप में आए थे और ऐसा कुछ तो सीन था। तो पहले तो मैं यहाँ पर एक अपना आर्मर क्राफ्ट करता हूँ, ताकि जंगल में सर्वाइव करने के लिए आर्मर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आर्मर से अच्छा खासा बचाव हो जाता है, ऐसे मैंने मतलब एक दो वीडियो में पता करके ऐसे पता चला था कि स्टिक आर्मर मतलब आर्मर से अच्छा होता है, मतलब प्रोटेक्शन मिलता है। हम लोग निकलते आगे का रास्ता, रात होने वाली, रात को निकलना अच्छा है या ठीक, तो कोई नहीं, निकल लेंगे, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हम लोगों को। और यहाँ थोड़ी बहुत ये लीव्स वगैरह उठा कर हम लोग करते हैं अपना प्रस्थान आगे के लिए। लीव्स मतलब थोड़ी बहुत ये क्या बोलते हैं, रस्सियाँ लेकर तो निकलते हैं हम आगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर थोड़े से और आर्मर क्राफ्ट करना मुझे, तो एक आर्मर से कुछ नहीं होगा इसलिए, और मैंने चार तीन आर्मर बना लिए। तो हम लोग आगे चलते हैं। धीरे धीरे बारिश भी गिरनी शुरू हो चुकी है। बारिश के मौसम में अब देखो पूरा का पूरा ये अंधेरे से छाया हुआ है, कभी भी बारिश आ सकती है इसमें। वैसे तो शाम का समय है, मगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में रात होने वाली है, एक्चुअली रात हो गई थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पर हमने क्या क्राफ्ट करने का मैं भूल गया, तो चलो उसको जाने देते हैं। हम लोग आगे चल के रस्सियाँ उठा लेते हैं, बाद में काम आ सकती है हमारे, बहुत ही ज़्यादा काम आती है रस्सियाँ वगैरह, तो ये हमारे पास रखना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर एक एक्स क्राफ्ट कर लेते हैं, हमारे पास थी मगर वो बहुत ही ज़्यादा वीक थी, तो ये अच्छी खासी। जैसे जैसे हम लोग गेम में प्रोग्रेस करेंगे हमारे टूल्स भी बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। तो ये स्टोन एक्स में फेंक देता हूँ, और यहाँ पर स्पीयर वगैरह, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। अरे मेरी अच्छा ओके, मुझे लगा मेरी स्पीड कम हो रही है, एक्चुअली हो रही है ऐसा लग रहा है, बैग में ज़्यादा सामान होने की वजह से। मतलब ये गेम पूरा रियलिस्टिक है ना, जितना सामान हमारे बैग में होगा तो ये अपना कैरेक्टर उतना ही स्लो भागेगा। तो यहाँ पर गुफा जो हमारे हमने क्या बोलते हो जो जड़ी बूटी वाला किया था, तो इससे गुफा तो खुल चुकी है, मैंने बताया था आपको। तो इस गुफा से निकलते about this village I found. तो मियां से बात करते थोड़ी बहुत, क्या बोल रहे हैं। It's abandoned, but I found a few burned items that couldn't have belonged to the tribe. These came from outside the jungle, it looks like. Are you certain we haven't been here before? The tribe fears our world, but they would never burn our thing. Okay. They know we are not the enemy. तो मियां कह रहे हैं कि वो जला नहीं सकते क्योंकि हम उसके एनिमी हैं। Yeah. Okay. I understand. लोग उसको आंसर दे देते हैं अपना। तो यहाँ से चलते हैं आगे आगे, और बहुत ही ज़्यादा घना जंगल यार, यहाँ पर से रास्ता ढूंढने में तकलीफ है। यहाँ से ही आया था मैं, नहीं यहाँ से ही आया था ये, मुझे लगा जो रास्ते से आया उसी रास्ते से बाहर जा रहा हूँ, मगर नहीं, ये नया रास्ता है। यहाँ पर से चलते हैं बाहर। मेरी स्पीड को क्या हो गया, स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम लग रही है। और स्टोन का हार्वेस्ट कर लेता हूँ, मतलब स्मॉल स्टोन्स रखना ज़रूरी होता है हमारे पास, क्योंकि कभी हमारे एक्स टूट पीट गए तो इसी स्टोन का काम आज आ सकता है। तो अरे कम ही है भाई, अच्छा स्टोन ब्लेड बना लेता हूँ मैं पहले। हाँ गाइस, एक स्टोन ब्लेड बनाने के फ़ायदा एक होता है कि जो हमारी जो वीक स्पीयर बना है, तो उसके आगे हम लोग स्टोन ब्लेड लगा कर रस्सी से बांध कर एक स्ट्रॉन्ग स्पीयर बना सकते हैं, जो फायदेमंद रहता है हमारे लिए एक्चुअली, फायदेमंद। और यहाँ पर क्या, नहीं यार एक वन आज यार,
कितनी बार एक बार आज तकलीफ देंगे क्या पता। तो यहाँ से और आगे चलने का है हमें। चलो चलो चलो। ओ या और ये क्या है, कुछ तो ड्रग्स भी वाला लग रहा है ना। हाँ यहाँ पर एक डुक्कर है। तो ऐसे भी हम लोगों को स्पीयर फेंकने का है, अगर मैं भागेगा नहीं किसके पीछे यार, भागूंगा तो जो तकलीफ देता है मजबूत वाला, मतलब हेल्थ वेल डाउन हो जाएंगे। हमारे पास इतना फूड सोर्स अवेलेबल नहीं है ज़्यादा, तो इसके ऊपर ट्राई करता हूँ मैं, मार के देखता हूँ लगता है कि नहीं, लगेगा तो लगेगा वरना जाने देता हूँ। लग तो गया मगर ये भाग गया, तो इसके पीछे तो मैं भागूंगा कतई नहीं क्योंकि मुझे मेरी हेल्थ नहीं। ओके दम गए यार इतनी जल्दी में, एनर्जी देखो पूरी लो है। तो थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं यहाँ से, और यहाँ से पूरा नया एरिया दिख रहा है, मतलब पूरा झाड़ी और से भरा हुआ। और ये जो बीच बीच में टंग घुंघरू घुंघरू की आवाज़ आती है, अलग ही लगता है ना, मतलब ऐसे कोई हमारे ऊपर अटैक ही करने वाला, डर लगता है भाई इसका भी। और यहाँ पर क्या है, ओके एक ओपन जगह मिल चुके। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, जगह ओपन तो मिल चुके तो हमारा गेम यहाँ पर सेव कर लूँगा यहाँ पर, नहीं तो आगे कहीं तो मेरी गेम सेव कर लूँगा, मतलब यहाँ से ही चालू करना, वरना हम लोगों को अगर मर गए मतलब खुदा ना खस्ता मर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। के यहाँ पर अच्छी खासी एक झील है। अरे यार झील है यहाँ पर, झील के आगे। हाँ तो ये मैं तो गेम सेव करने के लिए पहले हमें एक शेल्टर बनाना पड़ता है। तो शेल्टर बनाने के लिए ज़रूरत है हमारे पास, हमको मतलब लकड़ियों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो लकड़ी की। और ये म्यूज़िक पीछे का मुझे ना बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो ट्राइब वाले बंदे आते हैं ना वही ना आ जाए ना, ट्राइब वाले बंदे डेंजर रहते हैं उनके सामने, मतलब धनुष्य बाण वगैरह रहेगा ना हमारे पास तो बहुत अच्छा होता है, मगर नहीं, अगर मेरे पास स्पीयर वियर से तो भी तकलीफ है। जंगल जैसा घना होता जाएगा वैसे ही बहुत ही खूंखार प्राणी और क्या क्या कुछ कुछ नहीं आएगा, पता नहीं आइडिया नहीं। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्पीयर क्राफ्ट कर लूँगा, तो अब तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्पीयर हमारा क्राफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर फल बिल है, तो फल बिल छोड़ो, अरे सामने नारियल है गाइस, नारियल के बहुत ही ज़्यादा यूज होता है यहाँ पर। तो मैं पहले इसको हार्वेस्ट करता हूँ एंड इसको पानी पी लेता हूँ इसका, और जितना बचा है वो जो खोबरा रहता है उसका तो खा लूँगा उसका खोबरा। ओके इसका हार्वेस्ट तो हो चुका है इसके अंदर 8, और इसका ये हार्वेस्ट करने के मैंने गलती से हार्वेस्ट कर दिया, रुको तो ये भी खा सकते हैं हम लोग, कोकोनट फ्लैश। ओके नाइस, तो यहाँ पर से चलिए आगे का रास्ता पकड़ते हैं, आगे क्या होगा बहुत ही डेंजर है गाइस ये वाला सीन भी, तो बहुत ही और ये झाड़ियों से, अरे यार बच गया थोड़ा। झाड़ियों के अंदर से जाने का एक तकलीफ क्या होता है ना कि हमारा आंग के मतलब सॉरी हमारे बॉडी के ऊपर है ना लीचेस ज़्यादा आते करते, तो हर बार उनसे वो निकालना है ये ऐसा प्रॉब्लम होता ही रहता है। और ये ठीक है चलिए और थोड़ा बहुत करते हैं एक्सप्लोर जंगल को, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके तो यहाँ पर क्या है, ब्लू वाली मशरूम तो कुछ तो खुला है हमारा। ओके गाइस यहाँ पर टायर के निशान है, तो ये टायर के निशानी हम लोगों को रास्ता दिखाएंगे शायद से, तो इसको ही फॉलो करता हूँ। ओके यहाँ पर से ये आगे जा रहा है बहुत ही ज़्यादा। Hey, this might sound weird, but I found a road. What? How so? Someone must have come through here recently. I'm gonna check it out. Oh, great. मतलब वो जंगल में रह चुके हैं, मतलब हम भी का आइडिया नहीं है उसका, मगर उसको हमारे से ज़्यादा मालूम है, तो हर वक्त उसको पूछ कर तो भागना भागना नहीं नहीं भागूंगा नहीं। और यहाँ पर देखो ये रैटल स्नेक देखो ऐसा देखो, छोड़ो इसका इनसे पंगा नहीं लेगा। अरे कुछ चढ़ गया, अरे मधुमक्खियाँ चढ़ गया, मगर कुछ हुआ नहीं क्योंकि हमने ये पहना था आर्मर। तो देखो आर्मर के फ़ायदे अब हमें पता चल रहे हैं, मैंने पूरी बॉडी पे आर्मर पहना है, तो बहुत ही ज़्यादा घनी बारिश है। यहाँ पर एक फ्रूट है,
यहाँ पर बेकोपन जगह है, तो आई गेस मुझे यहीं पर सेटलर बनाना चाहिए। पीछे थोड़ा सा दिन था तो बनाने का कोई मतलब नहीं था, तो यहीं पर मैं अपना एक शेल्टर बनाऊंगा और गेम सेव कर लूँगा। पहले गेम सेव करना ज़रूरी है, तो शेल्टर का रेसिपी, क्या रेसिपी ही बोलता हूँ मैं, माइनक्राफ्ट जैसा ही बोलता हूँ, शेल्टर का, अरे क्या बोलते हैं, हाँ क्राफ्टिंग सिस्टम, क्या ये सही वर्ड है। तो हमें लग चाहिए बहुत सारी लकड़ियाँ, लॉन्ग स्टिक्स और ये नहीं तो है, तो ये तो रस्सियाँ लगेगी हमें, बहुत ज़्यादा रस्सियाँ लगने वाली। तो ये होता हो, इससे हमें इतना नहीं मिलेगा मगर मिल जाएंगे अच्छे खासे। तो जितना स्टिक्स है ना उनको उठाऊँगा, लॉन्ग स्टिक्स को ऐसे रखूँगा मैं, क्योंकि लॉन्ग स्टिक्स थोड़े बाद में हम लोग क्राफ्ट करेंगे। ओ भाई भाई ट्राइब वालों की तो आवाज़ नहीं, ऐसे ही लगा ना वू करके, भाई डर लगने लगा। जल्दी से जल्दी मैं इसको बना लेता और गेम सेव करता हूँ पहले, मुझे नहीं फिर से पीछे जाने का यार, फिर से पीछे कौन जाएगा। और दो लॉन्ग स्टिक्स लगेंगे तो और एक पेड़ तोड़ना पड़ेगा मुझे शायद से, इस तो ये क्या टूट ही नहीं रहा है, तो ये पेड़ तोड़ लेता हूँ। और इससे हमें अच्छे खासे दो लॉन्ग स्टिक्स मिलने ही चाहिए, तो ये एक और यहाँ पर आगे है दो। ओके नाइस नाइस, दो स्टिक्स मिल चुके, तो इसको क्राफ्ट कर लिया, यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर दो ये लगा दिए, माइनिंग रस्सिया से बांधने के बाद अब थोड़े से नारियल के पत्ते चाहिए, मतलब कवर अप करने के लिए नारियल के पत्ते से चाहिए ना, मतलब शेल्टर का ऊपर का भाग हो जाएगा। है तो इजी गाइस ये, मगर क्या है पता है क्या, हमारी हेल्थ अच्छी खासी होनी है, अगर हेल्थ कम होते समय हम लोग ये शेल्टर बनाने गए, वाट लगेगी, वाट मतलब वाट ऐसे वाट नहीं लगेंगे, अगर हम लोग सो जाते हैं बीच में जंगल में ही सो जाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ओपन में सोए ना ऐसे भी है, पूरा रियलिस्टिक गेम है, तो कीड़े मकोड़े जंगल में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए कभी भी नीचे मतलब ओपन नहीं सोना चाहिए जंगल में। तो यहाँ पर और मैं झावड़ी तोड़ता हूँ, नारियल का पत्तियाँ तोड़ता हूँ, और यहाँ पर हमारा हो गया शेल्टर कंप्लीट। तो मैं पहले जाके इसको सेव कर लूँगा, गेम को मेन वही है गेम को सेव करना। तो यहाँ पर क्या है, ये फ्रूट कुछ तो लगा, ये फ्रूट कलेक्ट कर लेता हूँ, फ्रूट अच्छे होते हैं, मतलब ये मुझे पता नहीं इसे क्या होता है, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। यहाँ पर से आगे जाने का रास्ता दिख रहा है भाई, इधर डेंजर सा सीन है, तो चलिए चलते हैं आगे, कुछ तो अलग दिख रहा है भाई ये, देखो नवा नारियल के झाड़ गिरे। तो मैं गेम सेव करूँगा, अभी बजे 3:30, तो पहले ये नहीं यार, ये सोने का नहीं है मुझे, यहाँ पर ऊपर गेम सेव होता है। ओके नाइस, तो हमारा हो गया गेम सेव, तो आगे निकलते थोड़ा, और कुछ सामान है हमारा, मतलब सामान है मतलब एक्सप्लोर करने का, यार सामान क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे लग रहा है माइनक्राफ्ट जैसी बातें कर रहा हूँ मैं, क्या ही बोलूँ। यहाँ पर रास्ता फॉलो करता हूँ थोड़ा, यही सही रास्ता है ना। ओके तो यहाँ पर रास्ता ऐसे आगे जा रहा है, शाम होने का है, जल्दी से जल्दी हम लोगों को आगे का चेक पॉइंट कवर अप करने का। और ये सही रास्ता है ना, ओके सही रास्ता यही है भाई, तो यहाँ से चलते आगे। नदी गाड़ी कहाँ है रे, इतना रास्ता विस्ता दे रखा है तो पानी में से। और ओके यहाँ पर आगे आ चुके हैं टायर के निशान, और ओपन खुली सी जगह है रे, यहाँ पर कुछ तो अलग मतलब अलग जगह आ रही है एकदम से। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। ओके रास्ता फॉलो करता हूँ यहाँ के आगे, कुछ तो अजीब सा क्यों लग रहा है रे मुझे यहाँ पर, है ना, सामने कोई है क्या, नहीं ये राइट से कोई तो आ रहा है, कौन तो आ रहा है, मुझे आवाज़ आई गाइस, ये जंगली जानवर है कौन सा, तो
जगुआर को। भाई साहब ये माय गॉड जगुआर, ओ भाई मार 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 इसको, मार 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 भाई साहब। ओ गॉड गाइस बहुत ही ज़्यादा डरा गया यार इसने, और दिख यार बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला है यार ये प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मैं लीफ मतलब बैंडेज लगा दूंगा, और हमारा आर्मर भी टूट गया है गाइस अब, और हमें जल्दी जल्दी इंस्पेक्शन करना पड़ेगा यार क्या हुआ। बॉडी ज़्यादा गंदी हो गई, धोना भी पड़ेगी रे बॉडी। तो हम लोग चलते हैं यार, पूरा हेल्थ बहुत ही ज़्यादा खा गया ये अभी। और कुछ तो तकलीफ हो भाई, फिर से मत आ तू। ओके यहाँ पर तो बैंडेज है ऐसा कोई, तो ये लीचेस का ही प्रॉब्लम रहेगा। हाँ ये देखो ये भाई हर वक्त चिपक जाते हैं, निकल। हाँ ओके तो मैप देखते हैं और चलिए आगे चलते थोड़ा सा। और यार मुझे अब ज़्यादा डर लगने लगा यार, इस जगुआर का अटैक बहुत ही अनबिलेबल अटैक था, वो मरा भी नहीं साला। और ये देखो पूरा सड़ गया है यार, ये बहुत ही डेंजर सीन है गाइस यहाँ पर। और हम कहाँ तो अलग ही जगह आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर नीचे कुछ तो है, ये पानी का आवाज है मतलब समुंदर किनारे है कि क्या। ओके देखो सूरज के अभी तक मुझे पूरे गेम में अभी सूरज दिखा है। ओके ओपन जगह है तो नदी किनारा कुछ तो है। हाँ नदी का ही किनारा होगा, जो अमेजोन नदी है इतनी बड़ी उसका ही किनारा होगा। जंगल तो कितना बड़ा है भाई ये अपने। हम लोग अभी तो थोड़े से ही आगे गए तब भी इतना डेंजर सा सीन हो रहा है, होने लगा है, तो अब क्या होगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी शेल्टर बना लूँगा यार एक नया वाला, क्योंकि देखो अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा बुखार वगैरह की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। देखो यहाँ पर नीचे बार्स दिख रहे हैं, तो मैं पहले एक दो स्टिक्स तोड़ लूँगा। और वो हमें जो सड़ गया है ना अपना, जहाँ पर जगुआर ने अटैक किया था, उसके लिए हमें मगोड्स आई थिंक, हाँ मगोड्स लगते। तो वो मगोड्स है ना, और जो हमारा सड़ने वाला भाग है ना, जो सड़ गया है भाग, तो वो खा लेते हैं उसको। तो ऐसा कुछ तो सीन रहता है, बस इतना ही। और हम लोग ये लेके चलते वहाँ पर और क्राफ्ट करते जल्दी से। एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डाउन है हमारी, मतलब है अच्छी खासी, मगर इतने एनर्जी में मुझे लगता नहीं कि हम लोगों का होगा। तो मुझे जल्दी से जितना जल्दी हो सके ना उतना ये क्राफ्ट मतलब सेव कर लेने का है, वरना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली प्रॉब्लम है। ऑलरेडी पानी का समस्या बढ़ गया अपने ऊपर, पूरा लो लेवल चल रहा है यार। तो मतलब जगुआर के अटैक की वजह से ज़्यादा तकलीफें होने चालू हो गई है, देखो ना पूरा फीवर है। तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है सोना, बाकी कुछ नहीं है हमारे पास कि हम लोग सर्वाइव कर सकें। तो हमें कुछ नहीं बस सर्वाइव करने का, और यहाँ पर चीज ख़त्म हो चुकी है। तो ये मैं कोकोनट बॉल यहाँ पर नीचे डाल दूँगा जिसमें पानी भर जाएगा, तो इतना तो ठीक है, पानी तो पीते रहेंगे। और थोड़ा बहुत हमें लगेगा ये और लीफ वगैरह। यार मेरी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा कम है, मुझे पता नहीं है कि अब मैं ये कर पाऊँगा या नहीं। मतलब ज़िंदा तो रहूँगा ये डेफिनेटली ज़िंदा रहूँगा, मगर फिर भी जो प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई है ना, बीच में सो गया ना मैं जंगल में, तो और ज़्यादा दिक्कत मेरी बढ़ जाएगी। जल्दी से जितना हो सके उतना मैं शेल्टर बनाने का ट्राई करता हूँ, और बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो रहा है। और ट्राइब वाले बंदों का अलग टेंशन, और अब पता चला है कि जगुआर भी है इस इलाके में, तो और ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई है। तो लगाते हैं, पर अगर हमें पहले लगाना पड़ेगा और दो लॉन्ग स्टिक्स, तो मैं थोड़ा बहुत फूड खा लेता ताकि एनर्जी बरकरार रहे हमारी, जितना हो सके भाई खा ले, कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए हमें। बस इतना सा शेल्टर बन गया है, देखो थोड़ी सी हेल्थ हमारी बढ़नी चालू हो गई है, इतनी तो हेल्थ बढ़ चुकी है, अच्छे खासे कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ही ज़्यादा अंदर है। देखो जितना सुबह के समय में डेंजर लगता है ना, उससे डबल डेंजर रात के समय में जंगल लगता है। यही जंगल की खासियत है वैसे तो, मगर फिर भी यार गाइस
बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहा है। और यहाँ पर मुझे क्या ढूंढने, अरे मुझे क्या चाहिए था, हाँ बड़े वाले ये लॉन्ग स्टिक्स चाहिए, लॉन्ग स्टिक्स चाहिए। तो जल्दी से चलते हैं ऊपर ऊपर, ये पेड़ तोड़ना पड़ेगा। अरे भाई कूद मत, अब मैं कूदेगा तो मेरा घर जाएगा इसमें, सकते तो ये तोड़ सकता हूँ। बहुत ही ज़्यादा गाइस हमारे लिए प्रॉब्लम चालू हो चुकी ऑलरेडी, और यार ऊपर चढ़ना पड़ेगा इसके लिए। और ये रही हमारी लॉन्ग स्टिक, कह रहे उठा भाई उठा, हाँ चलो लॉन्ग स्टिक भी आ चुकी है अच्छी खासी हमारे पास, जल्दी चलते। अरे यार मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ अंदर, और यहाँ पर सिर्फ हमें लीव्स लगाने, तो लीव्स भी जितना चाहिए उतना नहीं है, आई मीन चाहिए तो अब भी और हमें लगेंगे, तकरीबन 7 लीव्स लगेंगे। और इसके लिए भाई और एक पेड़ को तोड़ना होगा, मगर उतनी एनर्जी ही नहीं है कि हम लोग पेड़ तोड़ पाए। देखते यार कितना टूटता है, थोड़ा सा आराम तो चाहिए बहुत ज़्यादा। अब देखो ना बुखार भी आ रहा है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तकलीफें और बढ़ने लगी हमारे लिए। और चलिए चलते इसको उठाकर हम लोग तो चल और लगाते यहाँ पर भाई साहब। और यार गाइस और एक, सिर्फ एक चाहिए था, और एक के लिए और एक पेड़ तोड़ना पड़ेगा, मगर उतनी एनर्जी है ही नहीं हमारे में। ओ गॉड यार, जिसका डर था वही हो गया। जंगल के बीचों बीच हम लोग सो गए थे और हम उठ तो गए हैं। यार एक भी यहाँ पड़ा था, तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। और ये देखो भाई साहब, यार पूरे कीड़े अंदर गए यार, बहुत ही डेंजर लग रहा है यार, ये कीड़े पूरे शरीर के अंदर चले गए इसलिए। और ये जो सड़ा हुआ है, आई मीन जहाँ पर हमें वो काटा था, आई मीन जगवार का हमला, ज़्यादा से ज़्यादा डेंजर हमें हो गया है मतलब ऑलरेडी, तो उसके लिए हमें मगोज चाहिए। और मगोड्स को कलेक्ट करने के लिए हमें एक सड़ी हुई बॉडी चाहिए जहाँ पर हमें मगोड्स मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर सो लेता हूँ यार, अच्छे एटलीस्ट फीवर तो कम हो गया यार, हम तो डिसमिस हो गए थे जंगल के, तो फीवर तो अच्छा खासा कम हो गया है ऑलरेडी, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके गाइस मॉर्निंग, सुबह तो हो चुकी है और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यार, कितना मस्त लग रहा है ना ये खुला खुला, मतलब इतने दिन मतलब हम लोग सिर्फ जंगल में होते थे। यहाँ पर मैं खुद को वॉश कर लेता हूँ, गंदा हुआ हूँ बहुत ज़्यादा, खुद को वॉश करना भी ज़रूरी उतना। तो देखो अब वॉश हो गया तो साफ़ सफाई तो हो गया अच्छी खासी, और कुछ तकलीफें, यही तकलीफें चल रही है हमारे बॉडी में यार, एक पीड़ा होती है। और ये हाथ को लगा है, और ये लीच का प्रॉब्लम तो रहेगा शायद से, नहीं अभी तक तो ठीक है। यहाँ पर कुछ तो ये मशरूम जिता लेते हैं, और फूड का बहुत ही ज़्यादा कम है, तो देखो ना 2012 वगैरह सब मेंटेन करना पड़ता है। और यहाँ पर सामने भाई क्रोकोडाइल गाइस, मैं यहाँ पर पूरा रात भर सोया और मेरा ध्यान नहीं था कि यहाँ पर क्रोकोडाइल्स भी है। रुको इसको मार, इसका ही मटन चोरी कर, आई मीन चोरी मतलब इसका ही मटन लेते। तो यहाँ पर आ जा जरा पास, और ओके भाई मरी नहीं गाइस। और यार मुझे अभी लग ये मेरे पीछे आएगी यार, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तो सीन है ये, मुझे लगा पानी के अंदर जा भाई निकल। एक काम करते हैं यहाँ से, उसके एक टहनी के ऊपर से मैं जाके उसको मार दूंगा। अरे निकल निकल के, हाँ हाँ इस टहनी के ऊपर से जाके मार दूंगा। ओके ऑलराइट गाइस, मैं ऊपर आ चुका है और यहाँ पर वो लोग वो आराम से बैठे हुए हैं। Mia, how are you feeling? It's been days. Is everything okay? Yeah, I'm a little busy, that's all. Probably just tired.
ओके मिया तू शांत गेट सम रेस्ट अरे मुझे नित्य उतरना है यहां से उतरना है यार मिया से बात करनी है पीछे जाके उतरने का था भाई तो यहां पर पीछे पीछे उतरने के लिए कहा था अरे गाइस और श्योर डू हाउ कुड आई फॉरगेट वी प्रॉमिस वी गो बैक देयर अगेन After all, we spend the whole visit in our hotel room and didn't really do much sightseeing. Yeah. Jake, we'll never go there again. Don't say that. Don't give up. Stay focused. Everything will be fine. You'll see. If you believe it, then so do I. गया अबे मेरा बोन नाइफ गया कहीं तो ओह गॉड कैसे यार ये चालू हो गया अरे जिंदा की मर गई है भाई मुझे तो लग रहा है मर गई वरना अभी तक तो हमला कर चुके तुम मर गए ओके तो उसका पैर कैसे हिल रहा है अरे भाई कुछ ज़्यादा ही रख लिखा है तुमने मेरा कटर ढूंढ के लाया अब इसका निकालते हैं मटन यार ये ट्राइब वाले बंदों का आवाज़ फिर से आना चालू हो गया भाई डर लग रहा है तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा ऐसे लगता है बहुत ही ज़्यादा अरे हाँ भाई भाई कौन आया यार ज़्यादा डर लगने लगा यार मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है और यहाँ पर रात हो चुकी है मैं कहीं जाके छुप गया था तो खुद को पहले वॉश कर लेता हूँ ट्राइब वाले बंदे आने से पहले मैं छुप गया यार हाँ मैं पानी में रखे मुझे जो करने का वो कर लूँगा क्योंकि ऐसे पता है कि पानी में आई थिंक वो नहीं आते इस एरिया में तो कुछ आइडिया नहीं मुझे तो मैं पहले वो कीड़ों को निकाल लूँगा बोन से करते एक बोन नीडल क्राफ्ट ना हार्वेस्ट करना पड़ता है नहीं शायद मेरे को ज़रा हाँ आई थिंक हार्वेस्ट करना पड़ता है तो हार्वेस्ट करने के बाद हमारी बन गई है बोन नीडल और इस बोन नीडल को भाई यार कौन है यार गाइस ये पानी में मगरमच्छ का टेंशन ज़मीन पे ट्राइब का टेंशन भाई ये जंगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये हॉरर से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है यार एक बार भूत परवड़ गया एक बार भी लटका देगा मगर ये जंगली जानवर और ये ट्राइब वाले बंदे यार यार और ज़्यादा आवाज़ें मुझे डरा रही है एक्चुअली बहुत ज़्यादा डरा रही है क्या ही करें अब इसके ऊपर तो मैं जल्दी से जल्दी यार कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है ओके नाइस सिर्फ मतलब बोन नीडल की जरूरत फिर ठीक है नहीं नहीं लगानी पड़ती है सर यहाँ पर और कुछ है तो और एक बार बोन नीडल आई थिंक यूज करनी पड़ेगी मुझे पैर पे भी एक कीड़ा का था मेरे यार गाइस बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है मुझे अब ये आवाज़ है इतना डेंजर आवाज़ है तो मैं जल्दी से जल्दी एक कीड़े को निकाल लूँगा कैसे ही बचो अब इससे हम लोग यहाँ पर हम लोग लीफ का बैंडेज वगैरह लगा चुके हैं आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है मगर वो जो जगुआर का वो जगुआर का अटैक का अभी तक सड़े हुए उसके लिए कोई ये नहीं उसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कतें बनने लगी और आर्मर भी टूट चुके हैं हमारे तो बहुत ज़्यादा हम लोग तकलीफ़ में है यार यहाँ पर अब तकलीफें इतनी बढ़ चुकी हैं ना क्या ही बताएं यहाँ पर कुछ नोटबुक में एंट्री आ चुकी है मैंने चेक नहीं की तब भी चेक कर ली यहाँ से चलते हैं पहले सो लेता हूँ यार मुझे वही बेटर लग रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा यार डर लगने लगा है मुझे तो कितना भाई 13-14 घंटे की नींद ओके अब सुबह तो हो चुकी है अब अच्छा खासा अच्छा लग रहा है यहाँ पर ब्लैक कैमन मीट तो इसको हार्वेस्ट करने के बाद
मतलब सड़े हुए मीट में ही लगते हैं, तो ये सड़ा हुआ मीट है। खाने में कुछ नहीं है हमारे पास, तो कोई नहीं यार, दिक्कत है तो वो सॉल्व हो जाएगी दिक्कत ही, ऐसे तकलीफ की कोई बात नहीं है। मैं गेम सेव करता हूँ यार यहाँ पर, अभी ज़्यादा ही वो बुखार होता जा रहा है ये गेम, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है खाने के लिए अब मेरे पास। ये हार्वेस्ट करके लगता हूँ, अगर हमें आगे मगौट की ज़रूरत पड़े तो रहने चाहिए वो भी। तो चल के यहाँ पर एक पहले मशरूम खा लेता है, फूड की सोर्स भी बहुत ही कम है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, कम क्या कुछ भी नहीं है, अब कुछ बचा ही नहीं, मैंने रात के सारा का सारा खा लिया था। तो यहाँ से पहले तो निकल लूँगा पहले, जाए जितना हो सके उतना। अच्छा खुद की आवाज़ थी यार, मगर ये ट्राइब वाले बंदों की और आवाज़ें चालू हो गई है, पूरा खूंखार है यार, कोई तो पी। फिर से यार जगवार से लड़ने की मेरी इच्छा भी नहीं है यार, बहुत ज़्यादा डेंजर है जगवार, बहुत ज़्यादा डेंजर है। हम लोग यहाँ पर, ये मैंने रोड वो आधे से छोड़ दिया था ना, इतनी रोड ढूंढना पड़ेगा फिर से भाई, रोड मिल जा। ओके फाइनली गाइस रोड मिल चुका है यार, मैं गलत रास्ते पर आया था तो ठीक है कुछ नहीं, ये भी रास्ता वही है। यहाँ से चलते हैं हम लोग, यहाँ पर से कहाँ जाने का है, ओके रोड की तरफ, हाँ ये सही रास्ता है। God, I'm thirsty. बहुत ही ज़्यादा प्यास लगे यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत चालू हो गई एक अच्छी सेफ से। और ये क्या है, कुछ अलग से ही पेड़ लग रहे हैं ना भाई ये, ओके बाम्बू है ये, अच्छा बाम्बू मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है यार, मतलब यहाँ पर कुछ तो अलग होना चाहिए क्योंकि हम पहली बार इस जंगल में बैम्बूज देख रहे हैं आई थिंक सो। हाँ डर लगने लगा है, आवाज आते है ना, तो चलिए और आगे चलते हैं। बम्पर पंचू, अच्छा ये यू आर वीक का जो ये साउंड है ना, आई मीन अब पता चला मुझे, ये अपने ही सर का, देखो यहाँ पर जो सर का मार्कर वहाँ पर रेड कर गया है, तो आ गए हैं भाई, क्या है ट्राइब्स वाले ने तो नहीं बनाया ये भाई, क्या ये वीड है क्या क्या, ओके जो हम लोग पता है वहाँ से निकले थे कैंप के इधर से शायद से वही ना, जहाँ पर एक दिक्कत दिखा था वहाँ पर आई थिंक वो वीड का ही सामान है, तो ये भी वीड है। यहाँ पर कुछ ओवन वगैरह है बहुत ही ज़्यादा, कुछ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर से मैं क्या है, कुछ तो है खाने के, इंसानी खाना है ये भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा। एम्प्टी कैन वगैरह यहाँ पर, मैट्रिक यहाँ पर लेटर no. वही तो है पर बहुत ज़्यादा सीन है रे। ओके इतना तो ठीक है हमारे लिए, खा लेता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है रे, बोन नाइफ, यहाँ पर ये भी ड्रिंक कर लेते यार, बहुत ज़्यादा डर लगने लगा मुझे, सोना ही मुझे लग रहा है कि बेहतर होगा यहाँ पर, और दिक्कतें बढ़ने लगी। यहाँ पर लगाने के लिए बैंडेज नहीं है यार, वहाँ पर एक मोलिनेरिया लीफ का पत्ता था मगर मैंने तोड़ा नहीं यार, मैं भूल गया जैसे कि मेरे पास बैंडेज ख़त्म हो गया, तो कोई ऐसा सीन नहीं, यहीं से आए थे ना हम लोग आई थिंक, यहीं से आए थे, हाँ यहीं से आए थे। ओके तो यहाँ पर पानी लगा था उधर पहले भाई यार, बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है, क्या ही आवाज़ें आ रही है रे, इतना घनदाट जंगल और इसमें भी ये ऐसी सारी आवाज़ें, क्या बोले हम लोग। तो यहाँ पर पानी जमा होते रहेगा, ऐसे दिक्कत की बात नहीं है कुछ, यहाँ पर चार के लिए चार को यहाँ पर अंधेरा ऑलरेडी होना चालू हो गया बहुत ही ज़्यादा, बस रात में हो जाए यार, रात को होगा हंगामा। और यहाँ पर भी ओके, तो यहाँ पर भी वेट प्लांट है मगर मैं रात को नहीं जाऊँगा,
यहाँ से बाहर तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा यार, इस तो बहुत ज़्यादा ये डेंजर सा एरिया है। और यहाँ पर से रात में बाहर निकलना, एक बार हम लोग निकले थे मतलब वो नदी के किनारे हम लोग बाहर ही निकले थे गाइस, सुना ना आपने इतना डेंजर सा माहौल बन गया था इस तरफ भी। यहाँ पर कुछ नोट वगैरह है, यहाँ पर भी है कुछ, तो भाई पूरा का पूरा इंसानी बस्ती है और पूरा ड्रग लैब जैसा लग रहा है ये, है ना पूरा ड्रग लैब। तो यहाँ पर भी एक इसमें क्या देखते हैं, देखो इसमें भी ड्रग है, सब जगह ड्रग्स ही भरे पड़े हैं रे। इतने जंगल के बीचों बीच इतने सारे ड्रग्स। तो ओके गाइस, मैं रात को सो चुका था बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होने के कारण, तो अभी उठ चुका है। सुबह सुबह बारिश हुई है और बारिश में जंगल का ब्यूटी और निखर के बाहर आता हुआ, और मगर ब्यूटी हमें अब भी नहीं दिख रही, हमें तो सिर्फ खतरा दिख रहा है, क्योंकि जितना खतरा है हमारे सामने अभी तक उतना नहीं है किसके पास खतरा। तो यहाँ पर से क्या करें, तो मैं काम को तो यहीं पर स्टे करता हूँ और देखते हैं क्या होगा क्या नहीं आगे हमारे साथ। तो ऑल राइट गाइस, आज के वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, अगला जो भी होगा देखा जाएगा। अरे ये जंगल से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन वाला सीन है, मगर हम लोग निकल के दिख लेंगे। तब तक के लिए बाय।